आज हम काले चने की टेस्टी मसालेदार चटपटी चना चाट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मुंबई की तो ये फेमस चना चाट होती है। मसालेदार काले चने की चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है। इस पर जो मसाला होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है और ये देखने में भी जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए ये चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम काले चने लिए हैं और इन चनों को हमें ओवरनाइट भिगोकर रखना है, यानी कि कम से कम 6 से 8 घंटे हम भिगोकर रखेंगे। ओवरनाइट भिगोने के बाद चनों को हमने बॉईल कर लिया है और हमने गलने तक इनको बॉईल किया है। तो इस तरह के हमारे चने गल जाने चाहिए, तो तब तक ही हमें इनको बॉईल करना है। हमने कुकर में एक विसल लेने के बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुकर को छोड़ा और जब कुकर ठंडा हो गया तो हमने खोल कर देखा तो ये अच्छी तरह से गल चुके थे। अगर आपके चने नहीं गलते हैं तो आप इसमें और विसल ले सकते हैं। अब लेना है एक पैन और उसमें करेंगे 2 चम्मच ऑयल गर्म और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को चटकने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच बेसन डालकर लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। तो इसका जो बेसन का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। जब बेसन से हल्की सी खुशबू आने लगे बस हमें तब तक ही इसको भूनना है। और बेसन से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है तो फ्लेम को हमने लो ही रखा है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हमें अब कुछ देर के लिए भूनना है, यानी कि बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही हमें इन मसालों को भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल अलग सेपरेट हो जाए तो बस तब तक हमें इनको भूनना है। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मसालों को हमने मीडियम फ्लेम पर भुना और अब हम इसमें चने डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब चने अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो अब हमें एक तड़का ऊपर से भी देना है। तो यहाँ हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें चना मसाला। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया था तो थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चनों को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दें। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और यहाँ भी हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा है, क्योंकि मसालों का जो टेस्ट है वो चनों में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही ये 2 से 3 मिनट में चने बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और देखिए कितना मसालेदार चने दिखाई दे रहे हैं। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और थोड़ा इनको हम चनों को ठंडा होने देंगे। तो चने जब हल्के ठंडे हो जाएं तो बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे नहीं करने हैं। तो अब जितने वह चनों की हमें चाट बनानी है तो उतने हम एक बाउल में लेंगे और उनके ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर के हमने सीड्स निकाल कर यहाँ पर लिए हैं, तो आपको भी ये सीड्स निकाल कर ही टमाटर लेने हैं। और अब इसमें जाएगी कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। ये कटे हुए सामान हमें बिल्कुल गर्म चनों में नहीं मिक्स करने हैं, क्योंकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देती है अगर हम गर्म चने में डालेंगे। और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस पर जाएगा ऊपर से लेमन जूस, जिससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लेमन जूस डालकर भी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखिए ये हमारी चटपटी मसालेदार काले चने की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे सर्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।